त्रिकम नगर महेश्वरी महिला मंडल द्वारा गणगौर संजारा उत्सव नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेनी अंदर महेश्वरी समाज नी 500 थी पण वधु महिलाओ एकत्रित थईने गणगौर नी उजवणी करी हती। हाल राजस्थानी समाजनो गणगौरनो तहेवारनी उजवणी चाली रही छे, त्यारे शहेरमां वसता राजस्थानी समाजना लोको द्वारा गणगौरनी उजवणी करवामां आवी रही छे। त्यारे पर्वत पाटिया खाते महेश्वरी सेवा सदनमां श्री त्रिकमनगर महेश्वरी महिला मंडळ द्वारा गणगौर संजारा उत्सवनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेनी अंदर 500 थी पण वधु महिलाओ एकत्रित थई हती अने हर्षोल्लासथी उजवणी करवामां आवी हती। समाजनी एकता दर्शावतुं आ તહેવારમાં નવા લગ્ન કરેલી યુવતીઓ દ્વારા આ વ્રત કરવામાં આવતું હોય છે। હોળીના તહેવાર પછી આ તહેવારનો આરંભ થાય છે। 16 દિવસ આ તહેવારમાં સમાજની દરેક મહિલાઓ વ્રત રાખે છે। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજ ગણગોર તહેવાર કા 12વા દિવસ હે ઓર 12વે દિવસ પર આજ ત્રિકમનગર મહિલા મંડળ દ્વારા એક ઉજવણી કા આયોજન કિયા ગયા હે। હમારે સાથ મોજૂદ હે જો મહિલા મંડળ કી જો ઉનસે હમ બાત કરેંગે। જી આપકા નામ? મેરા શુભ નામ દુર્ગા રાઠી। જી કિસ તરહ કા આયોજન કિયા હે આજ ગણગોર તહેવાર કા 12વા દિવસ હે, ક્યા કહે? હમારે ગણગોર મૈસરી મહિલા મંડળ કી તરફ સે હે ઓર યે સારી મહિલા કી તરફ સે હે। इनके आने से मेरे और 4 चांद लग गए, इसीलिए 16 दिन गौर की पूजा होती है और सुहाग बनता है अपना। यही प्रकार क्या परंपरा है गणगौर त्यौहार की? गौर त्यौहार की परंपरा है कि 16 दिन लड़कियां गौर पूजती है, उनका सुहाग लड़का अच्छा मिले, वर अच्छा मिले, यही है। लगभग कितनी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं? अभी महिलाएं मौजूद है 400-500 महिला मौजूद है इधर। जी हमारे साथ जगदीश जी मौजूद हैं। जी जगदीश जी, इस तरह का जो कार्यक्रम होता है, परंपरा को कंटिन्यू करने का एक कार्यक्रम है गणगौर का त्यौहार, क्या कहें? गणगौर का त्यौहार एक अपने जन्मभूमि से कर्म भूमि पर रहना, अपने मारो मान राजस्थान की संस्कृति को जीवित रखने के लिए गणगौर का आयोजन किया जाता है, जिनमें अपने दोलंडी के दूसरे दिन महिलाएँ गणगौर का पूजन करके और अपनी संस्कृति को जीवित रखती है। बहुत ही उल्लास के साथ ये प्रोग्राम का आयोजन जगह जगह गणगौर सिंजारा घरों में, सोसाइटियों में, भवनों में जैसी संख्या है उस विस्तार से ये आयोजन किया जाता है। राजस्थान की परंपरा ऐसे त्योहारों से एकता का संदेश देती है, क्या कहें? बहुत ही अच्छा एकता का संदेश रहेगा। एकता लोगों में आपसे मेल मिलाप, अपनी संस्कृति को वापस पुनः एक मंच पर लाने का बहुत ही सुंदर और सार्थक प्रयास है गणगौर का त्यौहार। तो जिस तरह से हमने आयोजकों से बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरह के ये गणगौर का जो आज 12वां दिवस था, 16 दिन का ये गणगौर का त्यौहार होता है, जिसमें महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए और अच्छा वर पाने के लिए ऐसे आयोजन करती हैं, ये व्रत करती हैं। 16 दिन का ये व्रत होता है जिसमें महिलाएं नव युवा युवती जो शादी करने के बाद जो ये त्यौहार होता है वो मनाया जाता है। ये थी आज की रिपोर्ट, कैमरामैन राजेश बेके के साथ मैं निकिता, AB News सूरत।